फ्रेंड्स, क्विक एंड इजी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चटकारेदार टमाटर की चटनी, टमाटो चटनी। चटपटी सी, खट्टी सी, टेस्टी सी है और ये हम खा सकते हैं पराठे के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ और डोसे के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं और ब्रेड के साथ भी, पाव के साथ भी खा सकते हैं। देखिए, देखने से ही आपको अच्छा लग रहा होगा ना, मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल, तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देखते हैं, मगर उससे पहले लाइक शेयर कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, इसको बनाने के लिए चाहिए होंगे टमाटर, मेथी दाना, सरसों दाना, लाल मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और चाहिए होगा हींग और इमली, तेल और करी पत्ता। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेथी दाना और सरसों के दानों को भूनेंगे, बिना तेल के हल्के हल्के भूनेंगे इसको। ध्यान रखिएगा, तेज आंच पे मत भूनिएगा वरना ये जल जाएंगे। धीरे धीरे हिलाते हुए आपको इसको भूनना है, करीबन एक मिनट से डेढ़ मिनट में ये भून जाएंगे। देखिए, चलाते चलाते आपको मेथी का रंग थोड़ा गाढ़ा दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए कैसे उछल रहे हैं, है ना। बस हो गया है, अब मैं इसको निकाल के ठंडा करने के लिए रख दूंगी। ठंडा हो गया है, बस अब मुझे मिक्सी में इसको पीस लेना है। बस अब हम इसको बंद करेंगे और इसको पीस लेंगे। देखिए, अच्छा महीन पाउडर बनाना है हमें, कोर्स नहीं बनाना, नहीं तो मुंह में मेथी दाना आएगा। बस इसको किनारे रख लेते हैं और लेते हैं एक पैन में ऑयल। बहुत ज्यादा ऑयल हमें नहीं लेना है। डालना है हींग। हींग की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। वेरिएंट के तौर पर आप इसमें लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं। अब हम ऐड कर देंगे टमाटर कटे हुए और डालेंगे नमक। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर। बस हमें और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप चाहें तो यहाँ हल्दी भी आप डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इसको बना के आप फ्रिज में रखिए और महीनों तक ये आराम से चलेगी। इवन बाहर भी बढ़िया चलती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इसको भूनना पड़ेगा। तो बस अब हम इसको ढक देते हैं। 3-4 मिनट हो गए हैं, अभी बहुत अच्छे टमाटर गले हुए नहीं लग रहे हैं। थोड़ा मैं मैश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अच्छे गले नहीं हैं, इसलिए हम इसको फिर से ढक देंगे। 3-4 मिनट फिर से हो गए हैं और अब आप देखिए, टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं। हमको यही चाहिए। थोड़ा 1-2 मिनट इसको खुले में ही ऐसे पका लेते हैं, थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं इसको। देखिए, काफी अच्छा गाढ़ा हुआ है। इस समय हम इसमें डालेंगे इमली का रस। यहीं पर हम डालेंगे मेथी दाना और सरसों का पाउडर जो हमने बनाया था। देखिए, मिलाते मिलाते गाढ़ा हो गया है, काफी ज्यादा गाढ़ा हो गया है। बस हमें और नहीं पकाना है। अब हम इसको उतार लेते हैं और करते हैं तड़के की तैयारी। पैन में लेंगे ऑयल। अगर आपको बहुत दिन के लिए बनाना हो तो ऑयल ज्यादा ले लीजिएगा। गरम हो जाए ऑयल तो डालेंगे सरसों के दाने और डालेंगे लाल मिर्च। मैंने लाल मिर्च के बीज निकाल दिए थे, बस केवल लाल मिर्च डालेंगे फ्लेवर के लिए और डालेंगे करी पत्ता। खूब अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे और अपनी चटनी के ऊपर डाल देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है करी पत्ते और लाल मिर्च का। आप देख रहे हैं चटनी काफी गाढ़ी है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसको और ज्यादा सुखा दीजिए, तब ये अचार की तरह हो जाएगा। तो चले, अब रियलिटी टेस्ट तो बनता है ना, पराठे के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, मैं तो चली खाने, आप चलिए बनाने। नेक्स्ट रेसिपी लेकर जल्द ही मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।